अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू CSR। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हज़रत इमाम महदी कौन होंगे? ये सवाल जितना अहम है इतना ही अहम ये है कि इनके साथ चलने वाले लोग कौन होंगे। दोस्तों, अहादीस मुबारका में दो इशारे ऐसे मिलते हैं जिनसे आखिरी ज़माने में उन कामयाब और खुशनसीब लोगों की पहचान हो जाती है जो आखिरी ज़माने में इमाम महदी का साथ देंगे और इंसान को हक व बातिल में फ़र्क करने, हक के लिए कुर्बानी देने और बातिल के खिलाफ डट जाने का हौसला भी मिल जाता है। उलमाए कराम ने उन लोगों का जिक्र इस तरह फरमाया है कि नज़ूल ईसा तक उस उम्मत में एक जमात हक के लिए बरसरे पैकार रहेगी जो अपने मुखालिफीन की परवाह ना करेगी। इस जमात के आखिरी अमीर इमाम महदी होंगे। दोस्तों, आखिरी जुमला बहुत अहम है, यानी उस जमात के आखिरी अमीर इमाम महदी होंगे। इससे साफ मालूम होता है कि हज़रत इमाम महदी ना किसी गैर जहादी जमात के अमीर होंगे और ना किसी और किस्म की फिक्री या तंजीमी ग्रोह के, वो जहादी जमातों के आखिरी अमीर होंगे। अहले हक की तमाम जहादी जमातें और इनके जिम्मेदार अपनी अपनी जमातों को इनके हाथ में देकर इनके साथ जम हो जाएंगे और दुनिया भर में अलग अलग जो कोशिशें हो रही हैं वो हज़रत इमाम महदी के झंडे तले जब इकट्ठी होंगी तो मुजाहिदीन की बेमिसाल कुर्बानियां और हज़रत इमाम महदी की जहीन और जुरतमंद कयादत मिलकर मुसलमानों को वो गुमशुदा चाबी दिलवा देगी जो कि अरसा दराज में गुम हो गई थी। दुनिया में इस वक्त मुसलमानों के तीन मुखालिफीन हैं, यहूद, हनूद और ईसाई। हज़रत इमाम महदी की जंग ईसाइयों से होगी। हिंदुओं और इर्तदादी फिक्र के शिकार नाम निहाद मुस्लिम हुक्मरानों को हज़रत इमाम महदी की तरफ से हिंदुस्तान के लिए तश्कील करदा जांबाज देकर और बेड़ियां लगवा कर गिरफ्तार कर लाएंगे। यहूद और इनके सरबरा दज्जाल के खात्मे के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नज़ूल फरमाएंगे। इसकी एक हिकमत तो ये है कि यहूद ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेतहाशा सताया था और जान लेने की कोशिश भी की थी। आप अलैहिस्सलाम के हवारियों ने आपके गिर्द जाने देकर आपकी हिफाजत ना की। इन्हीं यहूद ने मुशरिकीन के साथ मिलकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सताया था और जान लेने के दरपे हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने आपके गिर्द अपने जिस्मों की दीवार खड़ी कर दी। दोस्तों, दज्जाल को गैर मामूली साइंसी ताकतें हासिल होंगी। मगरिब की तजर्बा गाहों में मसरूफ कार तमाम दुनिया के जहीन तरीन दिमाग जो कुछ ईजाद कर रहे हैं ये दरअसल दज्जाल के जहूर के लिए मैदान हमवार कर रहे हैं। ये अपनी सारी टेक्नोलॉजी इसके दामन में ऐसे डाल देंगे जैसे अहले हक में हज़रत इमाम महदी का जहूर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होने पर अपना सब कुछ इनके पलड़े में डाल देंगे। दज्जाल को हासिल करदा गैर मामूली साइंसी कुव्वत के मुकाबले के लिए ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गैर मामूली मौजाना कुव्वतें दी गई हैं। जब हज़रत इमाम महदी की ईसाइयों से जंग होगी तो इस जंग में हज़रत इमाम महदी के साथ 12,000 के करीब मुजाहिद होंगे, जैसा कि हदीस मुबारका में बयान किया गया है। 12,000 की तादाद को कमी की बिना पर शिकस्त नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ मुतहदा यूरोपी फौज में 9,60,000 का टिड्डी दल होगा। 12 झंडे होंगे और हर झंडे के नीचे 80,000 सूरमा होंगे। ये लोग यूरोप के दरवाजे कुस्तुनतुनिया यानी इस्तंबुल से गुजरकर शाम की सरजमीन पर आए हुए होंगे। गोया जाहिर में दोनों फरीकों में कोई जोड़ ही ना होगा। इस पर यूरोपियन कुलीजन हज़रत इमाम महदी और इनके रुफका पर रहम खाकर एक पेशकश करेगी, एक आसान सा मुतालबा रखेगी कि ये पूरा कर दो, हम वापस चले जाते हैं। तुम सिर्फ इतना करो, तुमने हमारे जो आदमी कैद किए थे और वो हमारा मजहब छोड़कर तुम्हारा मजहब अपना चुके हैं, अब तुम्हारे साथ मिलकर हमसे लड़ने के लिए आए हैं। तुम हमारे और इनके दरमियान से हट जाओ, हम सिर्फ उनसे लड़ने के लिए आए हैं, तुमसे हमें कोई सरोकार नहीं। चंद गोरी चमड़ी वाले यूरोपी जंगी मुसलमान कैदियों का हुस्ने सलूक देखकर मुसलमान हो चुके हैं। वो अबाई मुसलमान नहीं, नो मुस्लिम है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के जादूगरों की तरह इनका ईमान इतना कामिल हो चुका है कि 12,000 के लश्कर के साथ शामिल होकर 9,50,000 से टकराने के लिए तैयार हैं। इन चंद नो मुस्लिम अफराद की हवालगी पर दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन मुतहदा कुव्वतों का लश्कर वापस जाने पर तैयार है और चंद हज़ार टूटे फूटे मुजाहिदीन की जहाँ बख्शी इससे मशरूत है जिन्हें मौत सामने नजर आ रही है। लेकिन इन चंद कामिल ईमान जिहादियों का जवाब सुनिए, अल्लाह की कसम ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। वो इस्लाम कबूल करके हमारे भाई बन चुके हैं, हम इन्हें किसी सूरत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये जुरत इस वक्त रूए जमीन पर मौजूद किस तबके में है? कौन है जो एक सुपर पावर नहीं, तमाम सुपर पावर्स, तमाम पार्टनर्स और तमाम नॉन पार्टनर्स को जवाब देख सकते हैं कि मुल्क जाता है तो जाए, हुकूमत छिनती है तो 100 बार छिने,
हम किसी मुसलमान को कुफार के हवाले करने की बेगैरती कभी नहीं कर सकते। वो और होंगे जो चंद डॉलरों के अवज अहले बैत को बेचते हैं और फिर माँ की गाली खाते हैं। तो दोस्तों, पहचान में कोई मुश्किल तो नहीं रहेगी। कोई समझ कर भी ना समझे तो उसकी मर्जी, वरना कोई हिजाब, कोई रुकावट, कोई हायल नहीं। जब तुम देखो कि खरासान की जानिब से स्याह झंडे निकल आए तो इस लश्कर में शामिल हो जाओ। चाहे तुम्हें इसके लिए बर्फ पर घसीट कर क्यों ना जाना पड़े कि इस लश्कर में अल्लाह के आखिरी खलीफा महदी होंगे। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नज़ूल ईसा तक इस जमीन में एक जमात हक के लिए बरसरे पैकार रहेगी, जो अपने मुखालिफीन की परवाह ना करेगी। इस हदीस मुबारक में जमात हक की दो मखसूस सिफात बयान की गई हैं, पहला जिहाद और मुसलसल जिहाद, और दूसरा मुखालिफीन की परवाह ना करना। आज कौन सी सरजमीन है जहाँ जिहाद नामी फरीजा मिट जाने के बाद दोबारा जिंदा हुआ और मुसलसल जिंदा है? दुनिया में जिहाद की कोई किस्म ना होगी जो यहाँ ना लड़ी गई हो। मुनकरीन, मुलहदीन, बागीन और मुर्तदीन और अब मुतहदा काफरीन के खिलाफ गर्ज ये कि हर नौ का जिहाद यहाँ हुआ और हो रहा है। मुखालिफीन की परवाह ना करना किसका मखसूस मिजाज है? न्यूज़वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान जिस किस्म की रिजिलियंस और फिरोसिटी का मुजाहरा कर रहे हैं, इससे वाशिंगटन और नीटो तंजीम के दूसरे दारुल हुकूमतों में खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं और सोल सर्चिंग का एक नया दौर जन्म ले रहा है कि एक निस्बतन रैग टैग बगावत ने किस तरह दुनिया की ताकत तरीन अफवाज को अपने करीब तक आने से रोका हुआ है। एक तरफ एक ऐसी बिखरी हुई, मुंतशिर और टूटी फूटी बेवसाइल जमात जिनका अपना मुल्क भी इसके खिलाफ है, दूसरी तरफ 43 ममालिक ऐसे हैं जिनमें से कोई एक भी दुनिया के किसी मुल्क को धमकी दे तो इसके औसार खता हो जाते हैं। लेकिन नतीजा क्या है? जो आज से 7-8 साल पहले था कि फजाई हमलों से इब्तदा होकर वापस फिजाई हमलों पर बात चली गई है, करीब आना तो दूर की बात है, जमीन पर आने की जुरत करना मुश्किल हो गया है। 43 ममालिक एसाफ में शामिल मुल्कों को अच्छी तरह गिनने के बाद सामने आए हैं। मादी ताकत के लिहाज से तो अमरीका अकेला ही काफी था, किसी को घर बैठे आंखें ही दिखा दे तो उसका काम हो जाता है। इससे अकेले बिन ना पड़ा तो उसने नीटो को पुकारा, 26 ममालिक दौड़े चले आए, जबकि दुनिया फतह करने के लिए इनमें से 10 भी काफी थे। लेकिन बात फिर भी ना बनी, गैर मुनज़्ज़ब और गैर तरबियत याफ्ता जंगजू फिर भी भारी पड़ने लगे। 10 मजीद पार्टनर्स के आने से बात 36 तक जा पहुंची। अब तो जमीन के अलावा किसी और सियारे को रोंदना भी मुमकिन था, लेकिन मालूम हुआ कि अफगान कौम जब से मुसलमान हुई चीजें दीगर अस्त, चुनाचे 7 के करीब नान नीटो और नान पार्टनर्स भी आ पहुंचे। इनमें बी मैंड की को भी जुकाम हुआ कि मुज्दाक सिंगापुर जैसे नाक के चिपटे भी शामिल हैं और न्यूजीलैंड जैसे दूर दराज वाके भगोड़े गोरे जिनका तालिबान से कोई सरोकार नहीं वो भी मौजूद थे। इन 43 ममालिक के बाद खुद अपना मुल्क अफगानिस्तान भी खिलाफ है। हजरत तालूत के कलील लश्कर का जालूत के मुतहदा लश्कर के मुकाबले के बाद, बदर और अहजाब के बाद, अयूबी की सलेबी जंगों के बाद, क्या इंसानी तारीख में किसी ने ऐसा मंजर देखा होगा कि एक तरफ तो 44 ममालिक और दूसरी तरफ कोई मुल्क नहीं, फौज नहीं, मुनज़्ज़म ताकत नहीं, बिखरी हुई जिसका कोई फर्द सरेआम अपनी शनाख्त भी नहीं करवा सकता। लेकिन इसकी खुद एतमादी का हाल यह है कि पूरी दुनिया की खौफनाक तरीन अस्करी ताकतों को इसे जरा बराबर परवाह नहीं। दम मस्क लंदर का नारा लगाते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन निभाया इसे किसी किसी ने ही है।